अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद फैरा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने वीकेंड की रूटीन शेयर करूंगी कि वीकेंड मेरा कैसा गुजरता है। मेरा तो वीकेंड भी जो है ना वीकडे से ज़्यादा बिजी गुजरता है। तो बस मैं फिर क्या था, जल्दी से सुबह में उठी, जो टाइम होता है हमारा, तो उठ के तो नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ते का काम है तो वहाँ सफाई वगैरह की सारा, तो मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था। वैसे तो मेरा इरादा तो पहले नहीं था कि मैं कपड़े धोऊँ या मशीन लगाऊँ, तो फिर मैंने कहा इतनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो ही गया तो चलो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पानी गर्म किया और मशीन चला दी। तो जितनी देर में फिर मेरे कपड़े वगैरह हुए तो फिर मेरा ये था कि अब दिन को खाना, तो बस खाने का फिर जल्दी जल्दी से मेरे जहन में यही आया कि चने की दाल मैं बनाती हूँ क्योंकि वो सबकी फेवरेट है। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया। तो इतनी देर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और टमाटर जो है ना वो मेरे फ्रीज़ हुए होते हैं क्योंकि मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ तो ख़राब होने से बेहतर है कि मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ धो के साफ़ करके। तो मैंने 3 टमाटरों को निकाल के उनको पानी में भिगो दिया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने उस मीडियम साइज़ प्याज को बारीक बारीक चॉप कर दिया और जो टमाटर मैंने निकाले हुए थे ना भिगोए हुए थे वो जब उनका छिलका नरम हो गया तो छिलके उतार के उनको अच्छी तरह से उनका मैंने पेस्ट बना दिया। तो जो चने की दाल मैंने रखी हुई थी तो वो देखें उसके वो बॉयल होने लगी तो उसके ऊपर ना झाग आना शुरू हो गई। तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया और वो जो झाग थी वो ऊपर से उतार के उसका पानी गिरा दिया। फिर मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल को गरम किया और उसमें खड़ा गरम मसाला, जो साबित खड़ा गरम मसाला था, वो डाल दिया। जब वो हल्का हल्का हुआ जो है ना सुर्ख होने लगा तो उसमें मैंने वो चॉप की भी सारी प्याज डाल दी। अब उसको अच्छी तरह से जो है ना करना है आपने ब्राउन करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना उसमें जला हुआ टेस्ट आएगा। फिर वो जो आपका टमाटरों का पेस्ट था वो आप डाल दो उसमें, जैसे कि मैंने डाल दिया। तो साथ ही जो है ना इसमें आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करके सारे स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं जो कि मैंने ऐड किए थे। और हाँ, एक और चीज़, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था जो कि वीडियो में ऐड करना याद नहीं रहा। तो बस इसमें आपने जो है ना नमक, जो है लाल मिर्च, ज़ीरा मसाला, हल्दी मसाला और धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर और गरम मसाला, अगर पाउडर है गरम मसाला पाउडर तो वो बिल्कुल आपने थोड़ा सा डालना है क्योंकि शुरू में भी डालना है। तो ये सारे स्पाइसेस हैं जो कि मैं अपनी डेली की उसमें शामिल करती हूँ। कोई जो है ना वो पैक में नहीं यूज़ करती हूँ, मैं यही मसाले यूज़ करती हूँ। तो इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी आती है, कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से आपने मसाले को भून के फिर जो वो आपने हल्की सी बॉईल की हुई ना दाल उसको आपने डाल देना है। फिर अच्छे से उसको भूनना है, इतना भूनना है कि सारा जो पानी है ना जो लिक्विड है वो ड्राई हो जाए और जो आपका ऑयल है वो साइड पे आ जाए। तो जब आपका ऑयल साइड पे आ जाएगा ना अच्छी तरह से भून जाएगी उससे या आपकी जब दाल तैयार हो जाएगी ना उसका कलर बहुत मज़े का आएगा। ये देखें जैसे कि मैं इसको अच्छी तरह से भून ली तो आपने भी इसको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है लेकिन वही बात है, जितना टाइम लगेगा उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। तो ये देखें इसका सारा लिक्विड ड्राई हो गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर जो है ना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि खाना बनाते वक्त जो है ना आप बस दुरूद शरीफ़ पढ़ा करें तो उससे आपके खाने में ना बहुत जायका आता है। दुरूद शरीफ़ हो, पहला कलमा हो, जो भी आप पढ़ें ना बहुत जायका आता है। अब इसमें मैंने जो है ना जब अच्छी तरह से भुन गई मेरी दाल तो मैंने उसमें जो है ना 2 गिलास के लगभग पानी जो है मैंने उसमें डाला। उसको जब ज़रा सा वो गर्म हो गया तो मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके तो उसको चूल्हे पर ना रख दिया। तो अब तकरीबन 10 मिनट में उसको वेट लगाऊंगी, इतनी देर में जितनी देर में वेट लगेगा मेरे अच्छे से जो है ना बर्तन मेरे धुल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने बर्तन धो रही हूँ, जितनी देर में मैं बर्तन धोए तो मेरा टाइम पूरा हो गया था उसका प्रेशर कुकर का। तो मैंने ढक्कन खोल के इसकी दाल चेक की तो माशाल्लाह माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी और ग्रेवी भी बिल्कुल उतनी ही थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो बस उसमें फिर मैंने जो है साबित कह रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिए के जो पत्ते हैं वो और सब्ज़ मिर्च मैंने डाल के उसको मिक्स किया और बस उसको कवर कर दिया। अगर तो आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए तो आप अपने जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी इस लेवल पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप पानी ऐड करोगे तो आपने इसको ज़रा सा बॉयल करके हल्की आंच पे रख देना ताकि आपका पानी अच्छी तरह से पक जाए। तो क्योंकि हम लोग मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं कि हम पानी डाल के बस उसको हल्का सा पका के छोड़ देते हैं, फिर हम कहते हैं कि सालन मज़े का नहीं है, पानी पानी है। तो बस मुझे इतनी सी ग्रेवी चाहिए थी तो इतनी सी ग्रेवी मेरी क्योंकि फैमिली मेरी की जो है ना वो यही रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं खाते, बिल्कुल सूखा सूखा। तो साथ जब मैं काम कर रही थी तो मुझे शायद इतना तंग आ रहा था, मैंने फिर क्या किया
शाहजहान को मैंने एक बाउल में निमको डाल के दे दी। मैंने कहा ये बैठ के इसको खाता रहे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो है ना माशाल्लाह से निमको बहुत शौक से खाते हैं। तो बस जैसे ही सालन मेरा तैयार हुआ, साथ साथ मैंने कहा चलो कुछ मीठा भी बना ही देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मीठे के बड़े शौकीन हैं। तो रात को भी वो कह रहे थे कि यार कुछ मीठा नहीं है, तो फिर बस मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से मैंने दूध निकाला, 1 लीटर दूध था, उसको अच्छे से बॉईल किया और उसमें ये जो शान का रेसिपी मिक्स है इसको डाल के इसको बस पकाना शुरू कर दिया। साथ आप हल्की आंच पे रखें और चम्मच हिलाते रहें। और एक और टिप मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि लकड़ी का चम्मच जो है ना आप देगची के ऊपर रखें, क्योंकि हम लेडीज़ के इतने काम होते हैं ना, साथ साथ हमने वो भी निपटाने होते हैं। तो बस मैं ज़रा सा बाहर गई शाहजहान की तरफ, तो ये देखें मेरा जो था ना मिक्सर वो नीचे गिर रहा था, फिर जल्दी से आके तो मैंने इसके ऊपर लकड़ी का चम्मच रख दिया। इसी तरह जब भी आप दूध बॉयल कर रहे हो, चाय हो, कुछ भी हो, तो आप इसके ऊपर लकड़ी का चम्मच रख लें, तो वो चीज़ आपके चूल्हे से बाहर नहीं आएगी, वो खुश हो के बिल्कुल वहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आएगी। तो साथ ही मेरा मीठा भी तैयार हो गया, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटी बना दूँ, क्योंकि दिन के खाने का टाइम लगभग हो चुका था। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा निकाला फ्रिज में से और गर्म गर्म रोटियाँ बनाई और फिर मज़े ले लेके सब ने खाई। तो बस इसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि बस इसके बाद फिर मेरे में हिम्मत कोई भी नहीं थी कि कुछ और करूं। तो बस फिर मैंने क्या किया, मैंने शाहजहान को सुलाया और उसके साथ मैं खुद भी सो गई, मगरिब के बाद ही उठी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।